आंगनबाड़ी आशा व मिड डे मील वर्कर्स आदि स्कीम वर्कर्स की अखिल भारतीय संयुक्त समिति के आह्वान पर हड़ताल के तहत हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों के जिला मुख्यालयों, ब्लॉक मुख्यालयों व कार्यस्थलों पर सीटों से संबंधित हिमाचल प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन व हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन द्वारा जोरदार प्रदर्शन किए गए। शिमला, रामपुर, रोहडू, सोलन, अर्की, नालागढ़, नाहन, शिलाई, मंडी, जोगिंदर नगर, सरकाघाट, सुंदर नगर, करसो, कुल्लू, बंजार, आनी, हमीरपुर, नादौन, रैत, शाहपुर, नगरोटा, सूरिया, धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ, लंबागाम, टापरी, रिकोंगपियो, चंबा, चुआड़ी, तीसा, सलूनी, ऊना, अम्ब, गगरेट, बंगाणा, संतोषगढ़ आदि स्थानों पर योजना कर्मियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किए। इस दौरान वर्कर्स ने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेताया कि अगर ICTS, मिड डे मील व नेशनल हेल्थ मिशन जैसी परियोजनाओं का निजीकरण किया गया व आंगनबाड़ी, मिड डे मील व आशा वर्कर्स को नियमित कर्मचारी घोषित न किया गया तो देशव्यापी आंदोलन और तेज होगा। सीटू से संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन की प्रदेशाध्यक्ष नीलम जसवाल व महासचिव राजकुमारी तथा हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की महासचिव हिमी कुमारी ने कहा कि अखिल भारतीय हड़ताल के आह्वान के तहत हिमाचल प्रदेश में दर्जनों जगह धरने प्रदर्शन किए गए, जिसमें प्रदेश भर में हजारों योजना कर्मी ने भाग लिया। उन्होंने केंद्र सरकार से वर्ष 2013 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार आंगनबाड़ी, मिड डे मील व आशा कर्मियों को नियमित करने की मांग की है। उन्होंने आंगनबाड़ी व आशा कर्मियों को हरियाणा की तर्ज पर वेतन और अन्य सुविधाएं देने की मांग की है। उन्होंने मिड डे मील वर्कर्स के लिए हिमाचल प्रदेश का न्यूनतम वेतन 8,250 रुपए लागू करने की भी मांग की है। उन्होंने योजना कर्मियों के लिए पेंशन, ग्रेच्युटी, मेडिकल व छुट्टियों की सुविधा लागू करने की मांग की है। किस बात को अगर आज प्रोटेस्ट की बात की जाए, वैसे तो स्कीम वर्कर जितना भी आज पूरे देश में स्कीमें चल रही है, चाहे आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील हो, आशा वर्कर हो, तीनों स्कीम वर्करों की आज जो है पूरे देश में ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से हड़ताल की कॉल आई है। मैं यहां पर बात करना चाहती हूं सबसे पहले मिड डे मील वर्करों की। मिड डे मील वर्कर जो है यहां पर पूरे प्रदेश में जो है हिमाचल प्रदेश में भी आज हड़ताल कर रहे हैं। मिड डे मील वर्करों का सरकार बड़ी बहुत भारी पैमाने पर शोषण कर रही है। पिछले 17 सालों से जो है प्रदेश की सरकार जो है मात्र 2300 रुपए मिड डे मील वर्करों को जो है वेतन के तौर पे दे रही है, जो कि आज की महंगाई के दौर में उचित नहीं है। दूसरा, हम कहना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार ने पिछले 11 वर्षों से जो है मिड डे मील वर्करों को मात्र 33 रुपए दिहाड़ी देकर जो मिड डे मील वर्कर के साथ एक घिनौने किस्म का जो है व्यवहार कर रही है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और साथ में केंद्र की मोदी सरकार केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्करों के लिए पिछले 11 वर्षों से जो है एक भी नए रुपए पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो कि आज के इस समय में कतई भी उचित नहीं है। हम केंद्र की सरकार से कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्करों को जो है महंगाई के आंकड़ों से मिड डे मील वर्करों का वेतन जोड़ा जाए और कम से कम न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाए। केंद्र की सरकार मात्र 33 रुपए जो है एक दिन का दे रही है और एक महीने का मात्र 1000 रुपए मिड डे मील वर्करों को दे रही है। इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि आजकल कोरोना जैसे महामारी के दौरान भारत देश के बहुत सारे राज्यों में जो है मिड डे मील वर्कर जो है आइसोलेशन वार्ड जहां पर बनाए गए हैं, वहां पर जो है मध्याह्न भोजन के चलते अपनी सेवाएं मिड डे मील वर्कर जो है वहां पर दे रहा है। लेकिन सरकार द्वारा इस आपदा भरे जोखिम भरे कार्य को करते हुए सरकार द्वारा कोई भी जोखिम भत्ता वर्करों को नहीं दिया जा रहा है, इसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि मल्टीटास्क वर्करों का के लिए नई सिरे से भर्तियां निकली है। हम हिमाचल प्रदेश सरकार से भी कहना चाहते हैं कि आपने जो 7,862 की जो नई भर्तियां जो स्कूलों में होने जा रही है, जिसे कि हम बहुउद्देशीय कर्मी के रूप में भी जानते हैं, इसलिए इस विषय में हम सरकार से कहना चाहते हैं कि मल्टीटास्क वर्कर के रूप में जो ये नई भर्तियां कर रही है सरकार, इसे जो है बिल्कुल नए तरीके से ना करें, बल्कि हम यूनियन के माध्यम से सरकार को कहना चाह रहे हैं कि इसमें मिड डे मील वर्करों को ही यह कार्य दिया जाना चाहिए, क्योंकि PRTB के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।